अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुज़ैफ़ा फ्रॉम शेबिस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शेबिस की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सी मैक्सी। ये देख लें आप, वेयरिंग बाय सज्जन अली एंड सेम एज इट इज पैटर्न पर है। आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दें जो इसकी वर्किंग है, सेम एज ओरिजिनल पैटर्न पर। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा ये वीडियो हम शेबिस से बना रहे, ठीक है। सबसे पहले आप पूरा पैटर्न देख लें, कलर इसका मेहरून कलर है और टोटली फुल नेक पर है। सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी हर चीज दिखा देते हैं ऑन डिटेलिंग, ठीक है। सबसे पहले इसको आपको दिखाते हैं, इसका सिल्क का ट्राउजर रखा हुआ है ताकि आपको कलर वाजे रहे, ठीक है। ये आ गया इसका ट्राउजर सिल्क का एंड ये आ गया इसकी फ्रंट की मैक्सी। ये देखिए, ये पूरी इसकी फ्रंट की मैक्सी का लुक है। छह कली इसकी फ्रंट पर मैक्सी, छह कली इसकी फ्रंट पर है और छह इसकी बैक पर। और ये देखिए इसकी बॉटम पे वर्किंग पूरी जरी एंड पल्स इम्प्लेसमेंट के साथ वर्किंग हुई हुई है। एंड ये देखिए स्टोनिंग का काम भी इसके साथ हुआ हुआ है। ये देखें आप, सारा काम आपके सामने, ये इसकी बॉटम की वर्किंग है। एंड ये देखिए इसके अपर साइड पर कली पर भी वर्किंग आप देख लें, नीट एंड क्लीन वर्किंग हुई हुई है, ठीक है, सेम एज इट इज पैटर्न पर, ठीक है। ये आगे इसकी कली की वर्किंग, इस पर भी देख ले, जरी के साथ पल्स इम्प्लेसमेंट की वर्किंग है, पल्स मशीन से अटैच है, ठीक है। ये देख लें आप, ये छह कली इसकी फ्रंट पर है और छह इसकी बैक पर और नीट एंड क्लीन और सेम एज इट इज पैटर्न पर वर्किंग हुई हुई, ठीक है। काम की फिनिशिंग आपके सामने है। एंड अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फ्रंट की बॉडी, सॉफ्ट नेट पर हैवी जरी विद मिरर वर्क के साथ काम हुआ हुआ है। ये देखें इसकी फ्रंट की बॉडी आ गई, इस पर वर्किंग देखें, जरी के साथ वर्किंग है और मिरर को भी जरी के साथ अटैच किया हुआ है, ये देख लें आप। और विद पल्स इम्प्लेसमेंट की भी वर्किंग हुई हुई है इस पर, ये देख लें, पल्स मशीन से अटैच है। काम की फिनिशिंग आपके सामने है, नफासत के साथ काम हुआ हुआ है इस पर, इसकी फ्रंट बॉडी आ गई, ठीक है। एंड अब हम आपको दिखाते हैं इसकी बैक मैक्सी। ये देख ले, छह कली इसकी बैक पर है, इस पर भी बूटीज बनी हुई है जरी विद पल्स इम्प्लेसमेंट। और ये देख ले इसकी बॉटम पर वर्किंग जरी के साथ हेवी जरी की सारी वर्किंग हुई हुई है, ठीक है। इसकी बैक की मैक्सी आ गई। एंड अब हम आपको दिखाते हैं इसकी स्लीव्स, हेवी एम्ब्रॉयडर्ड इसकी स्लीव्स है सॉफ्ट नेट पर। ये देखें, ये इसकी कफ की वर्किंग है, इसके ऊपर आप वर्किंग देख ले, जरी विद मिरर वर्क काम हुआ हुआ है, मिरर जरी के साथ ही अटैच किए हुए। और ये देख ले, इस पर टसल्स भी अटैच है, ठीक है। ये देखे काम की फिनिशिंग, ठीक है। ये इसकी कफ की वर्किंग है और ये अपर साइड पे देख ले, जरी की वर्किंग विद मिरर, ठीक है। काम की नफासत और नीट एंड क्लीन के साथ पूरा पूरी वर्किंग हुई भी है। शाइनिंग नेट इस पे यूज किया हुआ है, ठीक है, ताकि ये और अच्छे तरीके से कलर जब आप वेयर करें तो उठ सकेगा। एंड अब हम आपको दिखाते हैं इसकी बैक बॉडी, ठीक है। ये देखें, ये आगे इसकी बैक बॉडी, इस पर भी वर्किंग देख ले, जरी विद मिरर वर्क के साथ सारा काम हुआ हुआ है, विद पल्स इम्प्लेसमेंट, पल्स मशीन से अटैच है, ठीक है। ये इसके नेक की भी वर्किंग देख ले, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्किंग हुई हुई है। ये आगे इसकी बैक मैक्सी, बैक बॉडी, ठीक है। एंड अब हम आपको दिखाते हैं इसका दुपट्टा, रेडी टू वेयर इसके साथ दुपट्टा है, ठीक है। टसल्स अटैच है इस पर, ठीक है। सबसे पहले आप देख ले इसकी पल्लू साइड, ये देखिए फोर साइड बॉर्डर्स पर ये टसल्स अटैच किए हुए हैं खूबसूरत तरीके से। और ये देखे जरी के साथ पूरी वर्किंग है विद क्रिस्टल टसल्स भी इस पर अटैच किए हुए, ठीक है। ये देख लें आप, ये आगे इसके दुपट्टे की वर्किंग, जरी के साथ पूरा वर्क काम हुआ हुआ है, रेडी टू वेयर इसके साथ दुपट्टा है, ठीक है। ये आ गया इसका दुपट्टा रेडी टू वेयर, ये ड्रेस पूरा शो करवा दिया आपको, ये देख ले, बहुत ही खूबसूरत सा अराइवल है, जस्ट अभी आया है और ये आपके सामने शो करवा दिया है। थैंक यू सो मच।